हल्का सा टच हो गया तो भाई हाथ पीछे देख रहा क्या हो गया हमें। चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो जाम में ऐसे हो ही जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की सुबह के बज रहे हैं 5, देख सकते हो आप घड़ी में पीछे टाइम लग रहा है। सुबह 5 बज चुके हैं। तो अभी हम यहाँ से घर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये ब्लॉग न्यू यू ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है घर से। तो अब हम सुबह सुबह उठ के चलते हैं। अब जब बस बैक पैक हो चुका है हमारा और हम आज मोटो ब्लॉग करते हैं और ले चलते हैं आपको किधर चलना है हमको। अभी तो हमने डिसाइड नहीं किया, पर नीचे चल के डिसाइड करते हैं। आज तो कोई साथ नहीं है, खाली के लिए ही चलेंगे और मोटो ब्लॉग करते हुए दिखाते हैं आपको। हम जहाँ तक हमने जो रूट देखा है बताता हूँ मैं, चलते हुए आपको रास्ते में आगे बाहर दिखाता हूँ। अभी तो थोड़ा चलना भी नहीं हुआ, थोड़ा अंधेरा सही है, ये देख सकते हो बाहर अभी चलना भी नहीं हुआ, अभी तो अंधेरा ही है। अभी यहाँ से बस अब यहाँ से निकलेंगे, जाना हुआ नहीं है। और देखो सब बाहर घूमने वाले अंकल भी घूमने स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी ट्रक वर्क चल रहे हैं बाहर। और चलते हैं अब अंदर चल के अपना, ये देखो मेरा बैग, ये रहा, यहाँ से बैग उठा के और चलते हैं नीचे। अपना हेलमेट, ये रहा हेलमेट, मैंने कोपरो का लगा चुके हैं अपना सिस्टम। तो अब यहाँ से बस निकलते हैं और मिलते हैं आपके, चलते हैं दिखाते हैं अपने आगे। पैर तो नीचे चल के बाइक तानी पड़ेगी और बाइक उतार के बैठ चलते मिलते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो गाइस अब हम उतर के बाइक निकल चुके हैं, अब तो हल्का हल्का जाना हो गया। बस अब चलते हैं इधर से और यहाँ से चलते हुए सीधा, अब यहाँ से चलते हुए अब सीधा अब जा पेट्रोल डलवाएंगे पर इसमें। पेट्रोल डलवा के फिर हम निकलेंगे सीधा अपना अपने रूट, ये सूट करना है, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप लोग देख ही रहे हो हम तो सही चला ही रहे हैं। ये ब्रेक यहाँ पे रोड ये जो बना हुआ है ये हल्की थोड़ा ही एरिया बनाया है बस, सीमेंटेड वाली रोड, वरना नॉर्मल रोड बनी हुई है ये तो सारी। देखो इतना एरिया है, इस पर भी गोल तार डाला हुआ है क्योंकि ये टूट गई थी, ये काम तो सही से करता ही नहीं ना, तो टूटते थे ही है, क्योंकि पता है इस पर ज़्यादा लोड चलता है तो काम माल इस पर सही से डलवाए, पर कौन डलवाएगा ये सारे जितने भी होते हैं काम करने से पहले। पहला तो सोचता है आधा पैसा जेब में जाए, उसके बाद में सोचता है कि भाई कुछ हो या ना हो अपना देख चलते हुए। टंकी फुल कराएंगे बस, पहुंचने वाले हैं अपना पेट्रोल पंप पे। पीछे से देखो, पीछे कुछ नहीं है, अपना चौकस होकर चलना चाहिए बस। देखो सुबह सुबह ये धूमपान वाली दुकान बहुत जल्दी खुल जाती है, सुबह सुबह यही मिलेंगे और कोई तो भाई मिलता नहीं। अपना इधर करा के अपना ये कोई दिख तो रहा ही नहीं यहाँ, तो यहाँ से अब जब बस पेट्रोल फिल करा के और निकलते हैं। 600 रुपये का डाल दो भैया, 600। तो गैस टंकी फुल करा ली हमने, देख रहे हो आप टंकी फुल हो चुकी है हमारी, पूरी फुल हो चुकी है। और क्योंकि तुमने यहाँ पे वो है अपना मीरापुर तक तो रोड हल्की ख़राब सी है, मीरापुर के बाद अगर हम यहाँ से सीधा अपना उधर को निकलेंगे मेरठ के अंदर वाले को, मतलब मवाना को, एक मवाना वाला रूट है तो वो भी ख़राब ही है, उसमें जाम मिलता है, ख़राब है, इतना बढ़िया वो नहीं है। हमें जाना है हाईवे पर निकलेंगे, मेन यही है
तो उसे वो नहीं कर सकते कि उसे वो करते हैं कि फिर यहाँ पे नई रोड बनाए या नहीं कुछ करें, कुछ नहीं करते, या वही उसे ही हल्का हल्का रिपेयर करते रहते हैं, रिपेयर करते रहते हैं, वो हर बार टूटती रहती है। ये देखो हल्का चाना हो गया, रोशनी होने लगी, पर थोड़ा बादल से टाइप के हो रहे हैं मौसम। मौसम हो बहुत प्यार हो रहा है अपना, बस मौसम प्यार है, मौसम को इंजॉय करते हुए चलते हैं, चल रहे हैं अपना। हम बैराज पर पहुंचने वाले हैं, तो गाइस हम बैराज पे पहुंचने वाले हैं। ये देखो बस यहाँ पे देखो, इधर की साइड में ये बैरिकेटिंग है, यहाँ ये बैराज की चौकी है, थाना है, ये बैराज की चौकी है। बैराज से स्टार्टिंग से पहले यहाँ पे तो 3-4 दिन पहले एकदम से ही, जब पीछे हरिद्वार में ग्लेशियर हुआ था ना, पानी ओवर हुआ था, तो यहाँ पे भी पानी आ चुका था। ये देखिए आसपास के जो ये एरिया है सारे में सीधा सब जगह पानी भर चुका था। इधर देख सकते हो तो वो कर देते हैं, थोड़ा उल्टा चलाते हैं, कुछ यहाँ पे रोक लिया जाता है ना, तो इधर के साइड में तो इधर इसलिए जाम लग गया है। देखो पानी कितना फुल चल रहा है पूरा, ये दिखते हैं इससे आधे आधे दिखते रहते हैं नीचे के, बीच में बीच बीच में और है इनके, यहाँ पे सारे में इसमें के इनके हर उसमें बीच कटआउट हो, बीच बीच में और रहे हैं इधर बॉल जो है, जो जिन पे लाइन वो लिखा रहता है वो तो कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ। वो तो ये तो हर दर्द हर एरिया में जहाँ भी ये गेट लग रहे हैं, हर गेट के सामने इधर के साइड के वो है, पर इधर कुछ दिख तो नहीं। इतना पानी फुल चल रहा है पूरा, जितना बैराज में होना चाहिए ना पूरा फुल पानी है। ये आगे हरिद्वार साइड वाला रूट वाला पानी है ये, कि इधर जो हरिद्वार वाला जो पीछे जो भी 14 तारीख को वहाँ पे ऋषिकेश में बहुत तकड़ी पानी आया था, बहुत तकड़ी पानी होके त्रिवेणीगढ़ी घाट में। ये देखो देखिए ये इधर पूरे फुल दिख रहे हैं, यहाँ पे निशान लगाया जाता है कि पानी कितने ऊपर चल रहा है, तो पानी पूरा फुल और बहुत तेज, पूरा फुल चल रहा है और बहुत तेज चल रहा है। तो अब यहाँ से इतना पानी मैंने तो समथिंग पहले 10 साल पहले देखा था, 10 साल पहले जब वहाँ पे केदारनाथ में बाढ़ आई थी ना, उस टाइम की बात है। उस टाइम पे जब इतना पानी यहाँ पे आया था, मैंने उसके बाद तो इतना पानी इतना फुल होकर चला नहीं है यहाँ। अब हम यहाँ से बैराज पार कर चुके हैं और अब यहाँ से बस थोड़ी दूर ये अपना रूट बढ़िया है, अच्छा है, और हम बस रास्ते में इधर से देखो सारा भी मैंने वही बात कहा थी, अभी देखो फिर टूटी रोड आ चुकी है। बस थोड़ी दूर और उसके बाद अपना मीरापुर पहुंचने वाले हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, देखो ये लिखा बोर्ड पे 119 किलोमीटर है अभी दिल्ली, और हम मीरापुर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से पहले तो ये रूट पहले अभी तो हमारा मवाना वाला रूट ही चल रहा है, और अब यहाँ से सिर्फ 500 मीटर 400-500 मीटर इधर 100 मीटर दूर रह गया, वहाँ से फिर कट रहेगा ये जो इधर की साइड रूट जा रहा है वो वाला, जिसके इन जंगलों के पीछे जा रहा है ना वहाँ को जाया जाएगा। ये लिखा देखो बोर्ड पे 119 किलोमीटर और एक मिनट लिखा है 53। अपना इधर से अब आपसे हम निकलते हुए इधर को हम अब जाएंगे, अभी तो यहाँ से कटिंग लगेगी, यहाँ से कट लगेगा, वहाँ से अब जो हमें कर रहे हैं अपना रूट चेंज करके, खतौली वाला रूट बेस्ट रूट है, अगर अपनी अपनी कार से हो या बाइक से हो तो वहाँ से ही आओगे, अगर तुम बस से जा रहे हो फिर तो बस वाले मोबाइल को लेके जाते ही है, वो यहाँ बस यहाँ को नहीं जाती, ये तो सिर्फ कार और बाइक वाला रूट है। ये हमने दे दिया इंडिकेटर, ये हमने पीछे देखा, पीछे कुछ नहीं है, और यहाँ से हमने घुमा दी बाइक, और देखो ये रहा खतौली 20 किलोमीटर और बुढ़ाना 50 किलोमीटर। अब यहाँ से हम ब्रेकर बड़ा बहुत काफ़ी तकड़ा है इधर, ऐसे ऐसे 3 ब्रेकर हैं, एक तो ये रहा और एक आने वाला है आगे, फिर और एक उसके जस्ट आगे है, 3 ब्रेकर, एक येरा
और एक ये देखो सुबह सुबह दुकान खुल चुकी है, और एक इधर ये रहा। नहीं चाय पी करे पता नहीं चला लगाऊंगा। ये देखो आपको इधर मैं एक रिजॉर्ट दिखाऊंगा। रिजॉर्ट क्या है मतलब उस बंदे ने पैसा लगाया है और अपना फार्म बना रखा है कि खेतों में ही रहे। जो देखो ये ओवरटेक करने के लिए पूरा रेडी है। ये नहीं देखता कि वाकई सामने से बंदा आ रहा है, कोई नहीं। ये वाला जो फार्म है ये देखो, ये लिखा भी है नाम फार्म का, और इधर से जो फार्म का गेट है इधर के, ये लॉकडाउन के टाइम पे बना हुआ है। अरे यहाँ पे बढ़िया बढ़िया फार्म बनाया हुआ है। यहाँ पे खेती अपना नेचुरल जो है भाई, अपने ऐसा कोई दिख देखो सुबह सुबह रनिंग वाले काफ़ी बच्चे भाग रहे हैं, ये जो फौज की तैयारी कर रहे हैं। देखो एक लड़की भी यहाँ पे रनिंग की तैयारी कर रही है भागने की। यहाँ पे काफ़ी वो मिलते हैं। इधर देखो इधर की साइड भी है, यहाँ पे काफ़ी है जो रनिंग की भाग कर रहे हैं, अपना फौज की तैयारी चल रही है। काफ़ी बच्चे मिल रहे हैं इधर, चल मिलते हैं अभी तक। अब कतौली बस पहुँचने वाले हैं, कतौली पहुँचते हैं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं कतौली, कतौली पहुंच चुके हैं हम। और जी हम कतौली देख लो आप, अभी सुबह सुबह इस टाइम कुछ नहीं खुला है, सुबह सुबह का टाइम है ये। सुबह सुबह अभी कुछ भी ओपन, बीच में आ गया फ्रिज देखो। इधर अपना हम अपन इस टाइम मेन कतौली में निकल के पार हो चुके हैं, मतलब पार हो नहीं हुए अभी आगे, अभी कतौली हो रहा है थोड़ा सा, और कतौली का रास्ता हो रहा है। इधर से एक तो रास्ता निकट जाएगा मुजफ्फरनगर को, और आगे दिखाता हूँ मैं। एक चीक सामने को जा रहा है ये, इस पर ये तो पता नहीं सामने को कौन से रूट को जा रहा है, ये जहाँ तक रुड़की को जा रहा होगा, जो सामने रूट जा रहा है ये रुड़की वाला होगा। और इधर वाला जो है ये है मेरठ दिल्ली वाला, ये वाला जो है रूट है ये है मेरठ दिल्ली। और इधर से हम अभी थोड़ा सा आगे कट आएगा वो है अपना कटरा निकल के सीधा अपना मुजफ्फरनगर वाला जो है हाईवे है, वो मुजफ्फरनगर वाला जो है रूट। देखो कितनी तेज है झटका, एकदम से अचानक से झटका जाते हैं। इधर की साइड से देखो ये है ये वाला, यहाँ से हम ये एकदम आगे न जाके काट के रास्ता इधर से कट जाए तो ये है उधर का रास्ता मुजफ्फरनगर का। पीछे से अपना स्प्लेंडर वाला भाई आया है, फुल स्पीड में जा रहा है भाई, वो कहीं ऑफिस में हो जा रहा हो, कहीं लेट उठ हो रहा है, तो पूरा फुल स्पीड का इस हाईवे चढ़ते हैं। पीछे चेक करते हैं कि पीछे तो कोई नहीं है, पीछे गाड़ी कोई नहीं है। अब यहाँ से चढ़ गए अपना हाईवे को, और अपना सीधा हाईवे से अपना पहुँचो अपना सीधा हाईवे पकड़ के पकड़ते अपना सीधा ही वाला है। यही वाला बेस्ट रहा वो है कि बेस्ट रूट मान के चलो कि अपना इधर कोई वो नहीं है। देखो वो हमारे ये जो गाड़ी काफ़ी दूर दिख रही थी ये यहाँ से कटिंग है, देखो ट्रक वाला ला रहा है इधर कटिंग, हॉर्न दो हॉर्न रोक ले भाई। ये तो चलो धीरे चला रहा था, पर जो काफ़ी होते हैं ऐसे जो नींद में होते हैं या फिर। तो गाइस हम पहुँच में टोल पर पहुँचने वाले हैं, देखो सामने दिख रहा है टोल दिखना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ से मतलब मेरठ में एंट्री, ये टोल पार करता ही मेरठ में एंट्री मांगी, चलो मेरठ में एंट्री जाती है। अब हम बस टोल के बिल्कुल बहुत नज़दीक है, किसी गाँव में गुजरता रास्ता, और हम यहाँ से टोल के अंदर एंट्री होगी। बाइक वाले का होती है बाइक वाले की नहीं,
वो सबसे साइड वाली होती है, ये वाली जो होती है लाइन सबसे साइड वाली बाइक वालों की होती है, मीटर वाली। फिर यहाँ से हमने निकाली और अब हम यहाँ से टोल पार करके निकल चुके हैं। अब हम यहाँ से टोल पार किया और हम यहाँ से निकल गए पार, एंट्री कर दी हमने, मेरठ की एंट्री हो चुकी है। पास में गाड़ी वाला पूरा फुल स्पीड लगा रहा है भाई। इधर में तो यूके उत्तराखंड वाले तो ऐसे जा रहे हैं सूफा, जैसे उनके पिताजी की रोड है, बहुत तेज चला रहे हैं भाई। भी है पास में यहाँ पे नीचे में रास्ता कट रहा है, मतलब बोर्ड में लिखा जहाँ वो वैगन आ जा रही है, इधर को साइड वो जो बुलेट वाला जा रहा है, इधर पंप है, हम उस टाइम मेरठ में चल रहे हैं, मेरठ पार करने वाले हैं। यहाँ पे सुवारती है, जो सुवारती आता है सुवारती के पास से मेरठ पार हो जाता है, सुवारती तक तो मेरठ ही है। तो अभी हम सुवारती से पीछे ही हैं, सुवारती आया नहीं है। और देखो सुबह सुबह पहले तो खाली एक ट्रक ट्रक वाले दिखे, फिर गाड़ी गाड़ी वाले दिखे चढ़ो कर, अब बाइक वाले काफ़ी दिख मिल रहे हैं। और अब देख सकते हो इधर ये सारे जॉब वाले होंगे या फिर अपने बिजनेस वाले या अपने कोई भी, सब अपने मतलब इस काम वाम करने वाले काम धंधे वाले ही जाए सारे जितने भी है, और अपना इधर से उधर निकल रहे हैं। और अब हम यहाँ पे सुवारती पहुँचने वाले हैं, थोड़ी दूर बाद सुबह थोड़ी दूर है सुवारती। तो ये पहले सबसे पहले ब्रांच चोटी वाले की इधर थी, इसमें हरिद्वार। अब यहाँ पर चोटी वाला यहाँ भी हर जगह ब्रांच खुल चुकी हैं इस छोटे रेस्टोरेंट की, बढ़िया फेमस रेस्टोरेंट हो गया, काफ़ी फेमस। स्टार्टिंग जो थी वो हरिद्वार में था मतलब पहले इसका। अब इस टाइम ये हरिद्वार में नहीं है अपना, यहाँ हर जगह ही मांग चलो। और इधर से सीधा एक कॉलोनी पड़ी थी और इधर क्या पड़ेगी, इधर ये रहा सुशांत कॉलोनी सेक्टर, सुशांत चटी। इसमें भी हम वापस आते हुए इसमें रुकेंगे, यहाँ पे चाचा का मौका कर रहा है फिर रहेंगे, तो इधर से आते हुए इधर रुकेंगे। और अपना अभी तो इधर से अंदर मेरठ पार कर ही दिया बस, और कुछ नहीं, मेरठ वाला हो चुका है। यहाँ पे बिट कॉलेज आएगा, बिट कॉलेज के बाद हम मेरठ पार कर देंगे। ये है इधर से ये वाला रूट है इधर से, जो नीचे एक तो नीचे वो रूट कट रही है और एक कट रही है उधर से दिल्ली को जो हाईवे जा रहा है ऊपर से ऊपर, जिसमें टाइम कम लगता है और जल्दी पहुँच जाते हैं। देखो ऊपर लिखा भी है बोर्ड में, यहाँ से एक तो है दिल्ली और एक है मोदी नगर, अपना यहाँ से एक सीधी जाएगी और एक जाएगी सही तरफ को। तो हम इधर को नहीं मुड़ेंगे जिधर को हाईवे को अपना दिल्ली जा रहा है, और मोदी नगर कोई काम नहीं है कि ऐसा कि भाई मोदी नगर में जा रहा है, हमने अपना निकलना है दिल्ली को। तो हम सीधा वाला रूट पकड़ेंगे, दिल्ली जा रहा है सीधा रूट दिल्ली हापुड़ मोदी नगर को जा रहा है साइड वाला, मतलब कटिंग साइड वाली कटिंग हुई है, 20 किलोमीटर चलोगे उसका दिल्ली में रोड एंट्री जाएगी। और अब हम तो इधर की साइड को बाइक वाला रूट जो है वो इधर के कोने को है, अपना इधर को निकलेंगे बाइक वाले रूट को, वो है इधर को। मैं इधर को निकलेंगे बाइक वाला रोड जो है, रोसा एलविस भाई का टुक्का बजा हुआ है, रुका काट रखा है एलविस भाई ने। हाँ
हम इधर से वैगनार तो क्या है, वैगनार से तो आगे निकल जाएंगे, वैगनार से आगे निकले और फिर हम इधर से जब बीस ब्रिज नॉर वाला हम करें तो ब्रिज नॉर की गाड़ी है ये देखो फिर काफ़ी लोग यहाँ पे पुलिस पुलिस वाले ही खड़े हैं, इधर पुलिस वाले खड़े हैं, काफ़ी काफ़ी खड़े हैं एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, इधर देखते हैं इधर रोक लेते हैं इधर थोड़ी देर, इधर रुक के पीछे की साइड एक्सीडेंट हो गया गाइस, यहाँ पे देख सकते हो इधर तो बाइक वाइक तो चढ़वा रहे हैं, काफ़ी तगड़ा बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और नीचे पेट्रोल पंप है पूरा, देखो सामने ये है एरोप्लेन। और अब जब हम अपना जो काम करने आए थे उस काम की जगह पे जा रहे हैं और इस टाइम हम दिल्ली के अंदर हैं, देखो काफ़ी जाम है, ऑफिस वाले जाने लगे हैं और जाम काफ़ी है यहाँ पे, और देख सकते हो अभी इतना मार्केट ओपन नहीं हुआ पर इसके अंदर जाम यहाँ पे काफ़ी हो गया है, इधर देख सकते हो आप इधर की साइड ये सामने मेट्रो स्टेशन है, ये है इधर ले है लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, तो अब हम यहाँ से बस अपने एक जगह जाएंगे, पहले उससे हमारा भाई रहता है उससे वो कह रहा था बहुत दिनों से भाई आया नहीं तो मिल तो लो यार, तो अब यहाँ पे हम मिलेंगे उससे मिल के 5 मिनट तो फिर अपना जो काम करना है वो काम करके और फिर जब चलेंगे, बस यहाँ से निकल गए हम और इधर से निकल के हम सीधा पहुँचे, बस ये टाइमिंग है अगर इससे पहले पहले निकल जाए तो निकल जाएंगे, इतना टाइम है अभी तो काफ़ी टाइम है, काफ़ी सेकंड है अभी तो, काफ़ी सेकंड है 30 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड 28 29 26 25 24 23 काफ़ी है अभी तो, काफ़ी टाइम है, हल्का सा टच हो गया तो भाई हाँ पीछे देख रहा क्या हो गया हमें, चलो कोई बात नहीं भाई थोड़ा बहुत तो जाम में ऐसे हो ही जाता है, मैंने कहा चल भाई आगे चलो पीछे देख रहा है क्या हुआ भाई, इतना तो बहुत थोड़ा बहुत टच होगा, इतना बड़ा वो तो इशू है नहीं कुछ की टच ना हो और कुछ वैसा ना हो, इशू इतनी बड़ी इशू वाली बात तो है नहीं है, बस यहाँ पे जाम ही दिक्कत रहती है, सुबह सुबह जाम काफ़ी मिलता है क्योंकि सब अपना ऑफिस वाले ज़्यादा जाने लगते हैं और घर से निकला जाता नहीं है ऑफिस के टाइम पे, हालत ख़राब हो जाती है, एक खास कर जाम ऑटो वाले लगवाते हैं बीच में खड़ा कर देते हैं ऑटो कि भाई हमें यहाँ भाई यहाँ बैठो बैठो बैठो, अरे जिसे बैठना है वो खुद बुलाएगा जिसे नहीं बैठना तुम कितने कुछ कर लो नहीं बैठेगा वो, जब काफ़ी देर होने के बाद हमें टाइम आया गुस्सा हमने निकाली काफ़ी तेज, पर आगे हमें जहाँ जाना है वहाँ के लिए भी रेड लाइट ही मिलेगी, रेड लाइट मिलेगी हाँ रेड लाइट यहाँ पे इधर भी रेड लाइट थी अभी ग्रीन हुई है, ग्रीन हुई है इधर निकला चाहिए जाएगा और धूप निकाल लिया कल भी हमारा बस ऐसी ही है, ये कल भी गाड़ी वाले जो होते हैं ना बेवकूफ हैं वो कुछ नहीं है, उधर लाओगी रेड लाइट पे ले लो झंझन बस वाले बैठा उठ के जाते हैं, ये बस वालों की वजह से ज़्यादा जाम लगता है, भाई की चोटी देखो Thank you.
आएगी चूतिया, देखते हैं अभी। अब यहाँ से हमें फिर मिल गई है ग्रीन लाइट, देखो इतनी यहाँ पे जल्दी हो रही है भाई, यहाँ पे एकदम रेड एकदम ग्रीन एकदम रेड एकदम ग्रीन एकदम तो अंदर को रूट कटा है वो। ये तो मंगल हो जा रहा है यहाँ पे बाजार, मंगल हो जा रहा है, इतवार बाजार सब लगते हैं यहाँ रूट पे, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी हो जाता है, क्राउड हो जाता है। अब तो यहाँ पे आज सुबह सुबह तो इतना क्राउड नहीं है, बस पहुँच चुके हैं अपने ठीए पे, अब यहाँ पहुँच चुके।